जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ डिफेंस एजुकेशन। आज की हमारी इस वीडियो में ऑर्डर अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका सेकंड पार्ट आज रहेगा, जिसमें आज हम बेसिक पजल के बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आपने फर्स्ट पार्ट जो है ऑर्डर अरेंजमेंट का वो देख लिया है, उसके सारे के सारे आपको क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं, जितने भी उसमें आपको टाइप करवाए गए हैं वो सारे टाइप आपको कवर हैं। आज हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जिसमें आज हम बेसिक पजल के बारे में बात करेंगे ऑर्डर अरेंजमेंट की। रीजनिंग का इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कंप्लीट चैप्टर आज आपका ये कवर कर दिया जाएगा। सो टाइप 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिए थे। टाइप हमारा 3 जो है, जिसमें हम पहेली या फिर जिसको हम पजल बोलते हैं उस पर बेस्ड जो हमारे अरेंजमेंट होती है उनको आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो बेसिक पजल है आपकी, बिल्कुल स्टार्टिंग की पजल है। धीरे धीरे आपको इसका लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई होता जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ए बी से लंबा है, सी डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है, बी डी से छोटा है तथा डी ए से लंबा है। तो आपको बताना है सबसे लंबा कौन है। यहाँ पर जो आपको स्टेटमेंट बताई गई है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बनाते चलना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या बोला है, बी से लंबा कौन है, ए, मतलब बी जो है वो छोटा है और ए जो है वो लंबा है। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे फिट कर देता हूँ, मेरे को यहाँ पे पता चलेगा कि बी से बड़ा कौन है, ए है, इसलिए बी जो है वो छोटा हो जाएगा, बी जो है वो छोटा हो जाएगा और ए उससे लंबा हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। आगे आपको बोला है डी सी जो है वो डी से लंबा है परंतु ई से छोटा है। एक और नहीं, हम यहाँ पर कंडीशन लगा सकते हैं, ठीक है। क्या हमें कंडीशन बोली गई है, डी से लंबा कौन है, सी, डी से लंबा कौन है, सी। यहाँ पे हमने एक कंडीशन बना दी कि डी से बड़ा कौन है, सी है, लेकिन आगे बोला गया है परंतु ई से छोटा है। परंतु और ओ और का जो वर्ड है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए लगाया जाता है, तो ई से छोटा है, मतलब सी जो है वो ई से छोटा है। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन बन गई। आगे बोला गया है बी डी से छोटा है, ये जो डी है ये बी से, सॉरी, डी से छोटा कौन है, बी। इसका मतलब है कि बी जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा, तो डी को हम यहाँ पर फिट कर सकते हैं, डी को हम यहाँ पर फिट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी हमारा डी जो है वो फिट हो सकता है। लेकिन आगे क्या बोली है कंडीशन, डी जो है वो ए से लंबा है, ए से बड़ा है, इसलिए डी जो है वो यहीं पर आएगा, इस पोजीशन पर नहीं आएगा। जो हमने ये स्टेटमेंट बनाई थी इसको हम एज इट इज लिख देंगे, डी से लंबा कौन है, सी, और सी से लंबा है ई। तो ये आपके पास सारी की सारी क्या बनेगी, फॉर्मेशन बनेगी। सबसे लंबा जो है वो आएगा आपके पास ई, उसके बाद उससे छोटा सी, उसके बाद उससे छोटा जो है वो डी, फिर उससे छोटा आएगा ए, फिर उससे छोटा आएगा बी। तो ये आपके पास यहाँ पर कंडीशन बनेगी। तो आपको बोला गया है सबसे लंबा कौन है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं सबसे लंबा कौन है, ई, ई वाला जो आदमी है ये सबसे लंबा है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर रहेगा। वैसे ही नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसी टाइप के आपके सारे आज क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक पजल है। जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी जितने अरेंजमेंट के क्वेश्चन है, चाहे वो आपका सिटिंग अरेंजमेंट का है, पजल का है, वो आपको जल्दी से क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ऐसे क्वेश्चन हमारे। सबसे पहले आपको बोला गया है पी क्यू से छोटा है परंतु टी से लंबा है, तो उसी वे में आपको यहाँ पे बताना है। सबसे पहले क्या बोला गया है, क्यू से छोटा कौन है, पी, Q से छोटा कौन है, P, मतलब इसका मतलब Q यहाँ पे आ जाएगा और Q से छोटा कौन आ जाएगा, P। ये हाइट वाइज हमने यहाँ पे बनाए हैं इस वे में। आगे बोला है परंतु T से लंबा है, इसका मतलब है कि T से लंबा कौन है, ये जो P है ये T से लंबा है, तो T हमारा यहाँ पर आ जाएगा, मतलब T से बड़ा कौन है, P है। आगे बोला है R सबसे लंबा है, इसका मतलब R जो है वो सबसे ऊपर नंबर पे आएगा, R सबसे लंबा है। आगे बोला है तथा S P से छोटा है, P से छोटा कौन है, S, P से छोटा जो है वो S है, इसका मतलब S जो है वो P और T के बीच आएगा, S यहां पर फिट हो जाएगा, S, लेकिन सबसे छोटा नहीं है, S जो है वो आपका लास्ट में भी आ सकता था, लेकिन आगे कंडीशन क्या लगा दी कि वो सबसे छोटा नहीं है, इसलिए पी और टी के बीच कौन आएगा, ऐसा आएगा। अब आगे आपको बोला गया है ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है, तो आपके पास मेनली यहाँ पर कितने पर्सन है, 5 पर्सन है,
एक है R, फिर दूसरा Q, फिर P, फिर S और D। तो आपके पास ये पैटर्न बन गया, सबसे बड़ा R है, फिर उससे छोटा Q, उससे छोटा P, उससे छोटा S और उससे छोटा T। आपको क्या बोला है, ऊंचाई के घटते हुए क्रम में, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बोला है अंतिम से दूसरा कौन है। अंतिम हमारा T है, तो अंतिम से दूसरा कौन है हमारा S। S वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन C हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अमन, रोहित, सुरेश, दनिश और आलोक, टोटल 5 आदमी हैं और भार के घटते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया है। ये सारे क्वेश्चन आपके अरेंजमेंट के रहेंगे, जिसमें आज हमारा टाइप 3 है, बेसिक पजल, जिसमें हम आज यहां पर सॉल्व करेंगे। कंडीशन क्या बोली गई है, अमन ऊपर से तीसरा है, इसका मतलब है कि अमन का जो स्थान है वो कौन सा स्थान है, वो तीसरा स्थान है। मतलब कि फर्स्ट नंबर पे कोई और आएगा, सेकंड पे कोई और तीसरे नंबर पे जो है वो हमारा अमन आएगा ऊपर से। यहाँ पे मैं इसको बना लेता हूँ, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। तो ये जो हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यहाँ पे बना लिए, ऊपर से तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, हमारा अमन आ रहा है। मैंने यहाँ पे लिख लिया अमन, ऊपर से तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, अमन। आगे बोला है आलोक, दनिश तथा अमन के मध्य में है। अमन और दनिश के बीच में कौन है, आलोक है। अमन और दनिश के बीच में कौन है, आलोक है। दो स्टेटमेंट यहाँ पे बनेगी, पॉसिबिलिटी हम बना के देखेंगे। ये दो आदमी, तीन, चार और ये पांच, यहाँ पे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और फाइव। तीसरे नंबर पे कौन है, अमन है, ये हमने यहां पर लिख लिया। आगे क्या बोला गया है, दनिश तथा अमन के बीच में कौन है, दनिश तथा अमन के बीच में। फॉर एग्जाम्पल दनिश को हम यहां पे लिखते हैं, दनिश को हमने यहां पे लिखा, तो दनिश और अमन के बीच में कौन आ जाएगा, आलोक आ जाएगा। ये यहां पे यहां पर आलोक जो है उसको हमने यहां पर लिख दिया। लेकिन आपके पास दूसरी कंडीशन भी यहां पे बनी है, आप दनिश को लास्ट में भी लिख सकते हैं, यहां पर कौन आ जाएगा, आलोक आ जाएगा। लेकिन दूसरी बार हम क्या करेंगे, दानिश को लास्ट में लिखेंगे। दानिश को पांचवें नंबर पे लिख दिया, क्योंकि अमर और दानिश के बीच एक स्थान खाली आना चाहिए, वहां पे कौन है, आलोक है। तो दोनों हमने कंडीशन को फॉलो कर दिया, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन रहेगी, ये सेकंड कंडीशन। अब तक दोनों हमारी सही चली है, लेकिन आगे कंडीशन बोली है, जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं है। इसका मतलब है कि दानिश जो है वो पहले स्थान पर नहीं है, इसलिए हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। दानिश जो है वो पांचवें नंबर पर ही आएगा। आगे बोला है जबकि दानिश सबसे ऊपर नहीं है, तो सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर कौन है, इसका मतलब है कि हमारे पास तीन आदमी तो फिट हो गए हैं, अमन, आलोक और दनिश। हमारे पास बचे हैं रोहित और सुरेश, तो फर्स्ट स्थान पे रोहित भी आ सकता है और साथ में सुरेश भी आ सकता है, ये हमें पता नहीं है और ना ही हम इस चीज को कभी फाइंड आउट कर सकते हैं। रोहित भी आ सकता है, सुरेश भी आ सकता है, इसलिए इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, जो हम ज्ञात नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट हमारे पास पेंडिंग नहीं बची है, उस वजह से हम रोहित और सुरेश की यहाँ पे प्लेस वैल्यू को हम नहीं बता सकते। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, छह बैटरियों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। आपके क्लास कोर्स में भी इस क्वेश्चन को करवाया गया है, पजल के क्वेश्चन है ये। छह बैटरियों को एक के ऊपर एक रखा जाता है, जंबो पिक के ठीक ऊपर है। छह आपके पास कुछ बैटरियां हैं, आपको बोला है कि पिक के ऊपर कौन है, जंबो है। पिक के ऊपर कौन है, जंबो, बिल्कुल ठीक ऊपर है। इसका मतलब है कि अगर पिक यहां पर है तो इसके ठीक ऊपर कौन होगा, जंबो होगा। ये यहां पर आ गया। आगे फर्स्ट कंडीशन हमारी यहां से बन गई। आगे बोला है बोल्ट टैंक तथा पिंग के मध्य में है। पिंग और टैंक के बीच में कौन है, बोल्ट है। तो पिंग और टैंक, यहां पे अगर मैं इसको टैंक लिखता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पर अगर मैं टैंक लिखता हूं, तो यहां पे तो इसके बीच में कौन है, जंबो आ रही है। लेकिन हमें क्या बोला है, पिंग और टैंक के बीच, अच्छा यहाँ पे ये पिक है और ये हमारी पिंग है, दोनों अलग अलग बैटरी हैं,
तो ये कंडीशन हमें यहां से भी फॉलो करेंगे। टैंक और पिंक के बीच कौन सी है, यहां पे मैं लिख लेता हूं, टैंक और पिंक के बीच में कौन सी है, पिंक के बीच कौन सी है, बोल्ट है, वो मैंने यहां पर लिख ली, बोल्ट है वो मैंने यहां पे लिख ली। आगे बोला है लिफ्ट जो है वो जंबो और टैंक के बीच में है, जंबो और टैंक के बीच में कौन है, लिफ्ट है। तो नीचे तो हमारी पिंक है, ये तो आ नहीं सकती, लेकिन यहां पे हम क्या कर देंगे, जंबो और टैंक, टैंक के बीच कौन सी लिख दी हमने, लिफ्ट लिख दी। ये आपको कंडीशन बताई गई है। अब ये टैंक हमारा यहां पे फिट हो गया, तो टैंक के ऊपर बोल्ट है और बोल्ट के ऊपर हमारी पिंग है, तो ये हमारी सारी की सारी क्या बन जाएगी, स्टेटमेंट बन जाएगी। तो ये हमारे पास टोटल 6 बैटरियों की अरेंजमेंट बन गई। आगे आपको बोला है कौन सी बैटरी नीचे से दूसरे स्थान पे है, तो नीचे से दूसरे स्थान पे आपको पता चल रहा है कौन सी बैटरी है, जंबो। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 5 पुस्तकें जो है वो एक दूसरे के ऊपर रखी गई है। आगे आपको स्टेटमेंट बताई गई है, पहली स्टेटमेंट क्या है, ए तथा बी के बीच कौन सी बुक रखी गई है, सी रखी गई है। ए और बी के बीच कौन सी बुक रखी गई है, सी रखी गई है। हम यहां पे ए लिख लेते हैं, ए और बी के बीच, बी हमने यहां पे रख दिया, कौन सी बुक रखी गई है, सी बीच में रखी गई है। आगे बोला गया है डी तथा ई एक साथ रखी गई है, डी तथा ई एक साथ रखी गई है, इसका मतलब डी और ई दोनों की बुकें जो हैं वो साथ में रखी गई, या तो यहां पे ऊपर आएंगी बी के ऊपर या फिर ए के नीचे आएंगी। अगली स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, बी के ऊपर कौन सी बुक रखी गई है, ई रखी गई है। बी के ऊपर कौन सी बुक रखी गई है, ई, वो हमने यहां पे रख दी। जो हमारी पिछली कंडीशन थी डी तथा ई एक साथ रखी गई है, इसका मतलब ई के ऊपर कौन सी बुक आ जाएगी, डी आ जाएगी। तो ये हमारी सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पे प्रूफ हो गई। अब बोला गया है कौन सी पुस्तक मध्य में रखी गई है, मध्य का मतलब होता है बिल्कुल बीच में, 5 में से जो हमारा मिडल नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, वो हमारा 3rd नंबर आएगा। फर्स्ट और सेकंड ऊपर से कट जाएंगे और 4th और 5 लास्ट से कट जाएंगे, तो मिडल में कौन सी पुस्तक आ गई हमारे पास, बी। तो ऑप्शन जो डी है हमारा वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन है ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकें और उसके बाद ही आप अपनी पजल जो है वो धीरे धीरे स्टार्ट करें। आगे जो है आपको बोला गया है कक्षा में 5 छात्र हैं, पी क्यू आर एस टी की ऊंचाई अलग अलग है, पी की ऊंचाई केवल एक छात्र से अधिक है, पी जो है, पी की ऊंचाई जो है वो केवल एक छात्र से अधिक है, इसका मतलब पी सिर्फ एक लड़के से बड़ा है, इसका मतलब वो अंतिम से दूसरे नंबर पर आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा कोई लास्ट नंबर है तो पी यहां पर आएगा, क्योंकि पी सिर्फ कितने छात्रों से बड़ा है, सिर्फ एक छात्र से बड़ा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई एक पर्सन यहां पर आएगा जो लास्ट में रहेगा। आगे बोला गया है क्यू की ऊंचाई S तथा P से अधिक है, S और P से बड़ा कौन है, Q, तो P की तो हमारी वैल्यू पता चल गई कि ये लास्ट से दूसरे नंबर पर है, लेकिन आगे बोला है S और P से बड़ा कौन है, S और P से बड़ा है Q, तो S यहां पर आ जाएगा। अब S और P से बड़ा कौन आ जाएगा, Q, तो Q यहां पे फिट हो गया, लेकिन R से अधिक नहीं है, इसका मतलब R से छोटा है, Q जो है वो R से छोटा, तो R यहां पे फिट हो जाएगा, ये सबसे बड़ा है। अब यहां पे आके कंडीशन लगाई S की ऊंचाई P से अधिक है, P से बड़ा कौन है, S, ये कंडीशन प्रूफ हो रही है। आगे बोला R सबसे छोटा नहीं है, R सबसे छोटा नहीं है इसलिए वो सबसे बड़ा है, तो हमारे पास एक छात्र बच गया T, तो T जो है वो सबसे छोटा हो जाएगा। आगे कंडीशन पूछी गई है कक्षा में सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है, तो आपको पता चल रहा है ये 5 छात्र हमने यहाँ पे फिट कर दिए, R, Q, S, P और T, तो सबसे यहाँ पे बड़ा जो छात्र है वो है R, तो ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया है 6 तौलिए हैं आपके पास और कलरफुल हैं ये सारे के सारे और एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं। अब आपको ये पता करना है कि जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है गुलाबी और पीले रंग के तौलिए के मध्य कौन सा रंग का तौलिया जो है वो रखा गया है, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। सबसे पहली कंडीशन क्या है, लाल रंग का तौलिया सफेद रंग के तौलिए के ठीक ऊपर है, इसका मतलब है कि जो सफेद रंग का तौलिया है
जो सफेद रंग का तौलिया है उसके बिल्कुल ठीक ऊपर कौन सा तौलिया होगा? लाल रंग का तौलिया होगा। ये हमने कंडीशन यहाँ पे बना दी। सफेद के ऊपर बिल्कुल कौन सा आएगा? लाल आएगा। आगे बोला क्या, पीले रंग का तौलिया नीले और हरे के बीच में है। नीले और हरे के बीच में कौन सा है? यहां पे मैं लिख देता हूं कि ब्लू और ग्रीन। ब्लू और ग्रीन के बीच कौन सा है? हमारा पीला है, येलो कलर का तौलिया है। आगे बोला गया है गुलाबी रंग का तौलिया लाल रंग के तौलिये और नीले रंग के तौलिये के बीच में है। तो लाल और नीले के बीच में कौन है? गुलाबी है। तो यहाँ पे लाल, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नीला, ये मैंने नीला लिख दिया। नीले और लाल के बीच में कौन सा आ जाएगा? गुलाबी आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे फिट कर दिया। अब चार तौलिये तो फिट हो गए, तीन ये बचे हैं। तो यहाँ पे नीला बोला गया है, ये येलो और ये हमारे पास ग्रीन। तो यहाँ पे क्या कंडीशन लगी है? ब्लू और ग्रीन के बीच कौन सा है? येलो। तो ब्लू मतलब नीला, नीला और ग्रीन, ग्रीन सबसे ऊपर चला जाएगा। फिर इसका मतलब जो हरा तौलिया है, हरा और नीले के बीच कौन सा तौलिया आ जाएगा? पीला तौलिया फिट हो जाएगा। तो ये आपकी सारी की सारी क्या बन जाएगी? कंडीशन बन जाएगी। हमें नीला जो है वो सबसे ऊपर इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि नीले और हरे के बीच पीला भी आना चाहिए। तो अगर नीला यहाँ पे है और हरा यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे तो पहले से ही लाल हमारा फिट है, इसलिए हरे को हम सबसे पहले स्थान पर रखेंगे। तो हमसे पूछा गया है गुलाबी और पीले रंग के बीच, गुलाबी और पीले रंग के बीच कौन से रंग का तौलिया? आप चेक कर सकते हैं कौन से रंग का तौलिया आता है, नीले रंग का तौलिया आता है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आई होप आपको ये समझ आ रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। आगे हमारा जो क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। P तथा Q एक साथ बैठे हैं, आप पश्चिम की तरफ बैठे हैं ये सारे के सारे, वो आप बना सकते हैं। P तथा Q एक साथ बैठे हैं, इसका मतलब है कि यहां पे जो आपका क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे के सारे। यहाँ पे बोला गया पश्चिम की तरफ बैठे हैं सारे के सारे। पश्चिम की तरफ का मतलब होता है ये सारे के सारे पश्चिम इस वाली डायरेक्शन में बैठे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पांच है हमारे पास, एक पर्सन यहाँ पे है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। ये सारे के सारे इस डायरेक्शन में बैठे हैं, पश्चिम की डायरेक्शन में बैठे हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या लगाई गई है? पी तथा क्यू एक साथ बैठे हैं, इसका मतलब P और Q जो है वो एक साथ बैठे हैं। अब वो कहीं पे भी फिट हो सकते हैं, अभी तक हमने यहां पे उसको फिट नहीं किया। आगे क्या कंडीशन लगाई गई है? R दक्षिणी छोर पर बैठा है और S उत्तरी छोर पर बैठा है। दक्षिणी का मतलब होता है साउथ। R जो है वो सबसे अंतिम स्थान पर बैठा है, साउथ में बैठा है। और आगे बोला गया है S जो है वो उत्तरी छोर पर बैठा है, S जो है वो सबसे ऊपर बैठा है। तो यहाँ पे फिट हो गया। आगे बोला है T जो है वो Q और R का पड़ोसी है। Q और R का पड़ोसी कौन है? T है। तो R को हम यहाँ पे फिट किया हमने, तो Q यहाँ पे आ जाएगा और T हमारा यहां पर फिट हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जो T है ये R का भी पड़ोसी आ गया और ये Q का भी पड़ोसी आ गया। अब जो फर्स्ट कंडीशन थी P तथा Q एक साथ बैठे हैं, तो P ऑटोमेटिक कहां फिट हो जाएगा? सेकंड नंबर पे फिट हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है? दक्षिण छोर से दूसरा कौन सा है? दक्षिण का मतलब है कि साउथ पोजिशन से दूसरे नंबर पर कौन है, तो वो आपको पता चल रहा है कौन सा है। साउथ पोजीशन से दूसरे नंबर पे हमारा टी रहेगा। तो ऑप्शन लास्ट जो है ऑप्शन डी हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए बी सी डी और ई पांच मित्र हैं, टोटल पांच दोस्त हैं। ए जो है वो सबसे छोटा है कद में बी बी से, ए छोटा है कद में बी से किंतु ई से लंबा है, सी जो है वो सबसे लंबा है, डी थोड़ा छोटा है बी से किंतु ए से लंबा है। तो आपको ये डायग्राम बनाना है,
कैसा हमारा इसका पैटर्न बनेगा। आप यहाँ पे इसको अरेंजमेंट की फॉर्मेशन में बना सकते हैं वन बाय वन। फर्स्ट कंडीशन क्या बोली है, ए छोटा है कद में बी से, इसका मतलब है कि ए जो है वो छोटा है, ए हमारा छोटा रहेगा किससे, ए छोटा है कद में बी से किंतु ई से लंबा है, इसका मतलब है कि ई से लंबा कौन आ जाएगा हमारा, जो आपकी फर्स्ट कंडीशन यहां पे बन रही है इसमें बोला है, एक मिनट इसको चेक कर लेते हैं यहां पे। यहां पे पांच मित्र हैं और कंडीशन आपको यहां पे बोली गई है, एक बार आप इसको ट्राई करें तभी आपका ये क्वेश्चन जो है वो इजीली क्लियर हो पाएगा। हाँ, यहां पर पांच दोस्त आपको बताए गए हैं, ए छोटा है कद में बी से, इसका मतलब है कि बी से छोटा कौन है, ए है। यहां पे मैंने एक लाइन लगा ली, पांच दोस्तों को आप यहां पे फिट कर सकते हैं, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा, वैसे यहां पे एक ये दो ये तीन ये चार और ये पांचवा दोस्त। यहां पे बोला गया है ए छोटा है बी से, मतलब बी से छोटा कौन है, ए। तो फॉर एग्जांपल मैंने बी को यहां पे फिट कर लिया, लेकिन आगे कंडीशन लगाई गई है किंतु ई से लंबा है, ई से बड़ा कौन है, ई से बड़ा है ए। यहां पे ई को फिट कर लिया हमने, ई को फिट कर लिया, अब ई से बड़ा कौन है, ए है। आगे बोला जो हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, ए छोटा है बी से, बी से छोटा कौन है, ए। यहां पे ये हमारी फर्स्ट कंडीशन एज इट इज बन जाएगी, लेकिन आगे क्या बोला गया है, डी थोड़ा छोटा है बी से, मतलब बी से थोड़ा सा छोटा कौन है, डी छोटा है, मतलब बी से हल्का सा छोटा डी भी यहां पे फिट करना है। तो अगर फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करते हैं, जैसे ई ये ए, हमें बोला गया था बी से छोटा कौन है, ए, तो बी को हम इस बार सेकंड पोजीशन पे फिट कर देंगे और बी से हल्का सा छोटा कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो ये आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी। आगे बोला है किंतु ए से लंबा है, हाँ, तो ए से लंबा हल्का सा कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब पांच दोस्त हैं, ए बी डी और ई फिट कर दिए, तो एक ही हमारा दोस्त बचा सी, तो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी, सबसे पहली पोजीशन पे सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा और लास्ट में ई आएगा। तो हमसे सबसे पहले क्या पूछा गया क्वेश्चन में, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है, ई, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोपाल कद में राकेश से लंबा है, गोपाल जो है वो कद में राकेश से लंबा है। आप एक बार आप क्वेश्चन को जरूर रीड करें ताकि जो आपके क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके क्लियर हो सके। गोपाल कद में राकेश से लंबा है, इसका मतलब है कि राकेश से लंबा कौन है, गोपाल। तो राकेश अगर मैंने यहां पे फिट कर दिया, राकेश से बड़ा कौन हो जाएगा, गोपाल, तो गोपाल ऊपर आ जाएगा और राकेश जो है वो छोटा आ जाएगा। आगे बोला है राकेश जय से अधिक लंबा है, राकेश जो है वो जय से अधिक लंबा, इसका मतलब जय से लंबा कौन है, राकेश, तो जय जो होगा वो छोटा होगा राकेश से, तो जय जो है वो राकेश के नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी स्टेटमेंट यहां तक फिट है। आगे बोला गया है बप्पा अधिक लंबा है, इसका मतलब है अधिक लंबा है गोपाल से, गोपाल से बड़ा कौन है, बप्पा, तो बप्पा जो है वो यहां पे फिट हो जाएगा। आगे बोला है किंतु नरेश से छोटा है, इसका मतलब नरेश जो है वो सबसे फर्स्ट पोजीशन पर यहां पे फिट हो जाएगा। आगे बोला है सबसे लंबा कौन है, तो डायरेक्ट आपको पता चल रहा है कि सबसे लंबा कौन आ जाएगा, नरेश, तो ऑप्शन बी हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप इस एक बार जरूर बार बार ट्राई करें आप क्वेश्चंस को, तभी आपको जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर हो पाएंगे। आपको यहां पे क्या बोला गया है, प्रकाश जो है वो राजेश से लंबा है, राजेश जगन से लंबा है, कंडीशन आपको बताई गई है, साथ साथ में आप इसको बनाते चलें तभी आपके जितने
डाउट हैं वो सारे के सारे आपके वन बाय वन सारे क्लियर हो पाएंगे। प्रकाश जो है वो राजेश से लंबा है, इसका मतलब है राजेश जो है वो छोटा है और प्रकाश जो है वो बड़ा है। तो यहां पे मैंने लिख लिया राजेश, और राजेश से बड़ा कौन आ जाएगा? प्रकाश। प्रकाश बड़ा है, राजेश छोटा है। आगे बोला है राजेश जो है वो जगन से लंबा है, जगन से लंबा कौन है? राजेश। इसका मतलब जो जगन है वो राजेश से छोटा हो जाएगा, तो जगन यहां पे आ जाएगा। जगन यहां पे आ जाएगा। आगे है भानु प्रकाश से तो लंबा है किंतु दिनेश से छोटा है। भानु जो है वो प्रकाश से लंबा है, प्रकाश से लंबा कौन आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा भानु, यहां पे आ जाएगा भानु। और आगे बोला है भानु से लंबा कौन है? लेकिन किंतु दिनेश से छोटा है। इसका मतलब भानु से लंबा कौन है? दिनेश। तो दिनेश से छोटा कौन आ जाएगा? भानु। आगे बोला है सबसे छोटा कौन है? तो आपको पता चल रहा सबसे छोटा कौन है? जगन। तो ऑप्शन सी हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन यहां पर बताया गया है, आपको बोला है सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। यहां पर फिर से आपको कंडीशन बताई गई है सारी की सारी, आप इसको वन बाय वन यहां पे सॉल्व कर सकते हैं। आपकी फर्स्ट कंडीशन में क्या बताया गया है, आप एक बार फर्स्ट कंडीशन को देखें। सीमा का छोटा भाई सोहन, इसका मतलब है सीमा से छोटा कौन है? सोहन। वो मैंने यहां पर लिख लिया, सॉरी फर्स्ट कंडीशन है आपकी सीमा से छोटा कौन है, इसका मतलब सीमा बड़ी है और सोहन उसका जो भाई है वो उससे छोटा है। आगे बोला गया है सीता से आयु में बड़ा है, मतलब ये जो सोहन है ये बड़ा किससे? ये सीता से बड़ा है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन यहां पर बन जाएगी। आगे क्या बोला गया? श्वेता दीप्ति से छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है। आगे बोला गया कि दीप्ति जो है वो श्वेता से छोटी है, दीप्ति जो है वो श्वेता से छोटी है, सॉरी श्वेता जो है वो दीप्ति से छोटी है। इसका मतलब है श्वेता जो है वो सबसे यहां पे बड़ी होगी, ये श्वेता आ जाएगी। श्वेता बड़ी है किससे? दीप्ति से। दीप्ति से जो है ये बड़ी है लेकिन सीमा से छोटी है, तो यहां पे आ जाएगा सीमा। तो सीमा से छोटी है, ये हमारी सेकंड कंडीशन यहां पर बन जाएगी। अब बोला है आयु में सबसे बड़ी कौन है, आप इसको एक बार सेट कर लें यहां पे, इस दोनों कंडीशन को आपको फॉलो करना, तो आपको पता चलेगा कि दीप्ति जो है वो सबसे बड़ी यहां पर आएगी। दीप्ति जो है वो यहां पे सबसे बड़ी आएगी क्योंकि यहां पे आपको बोला है सीमा से बड़ी कौन है, सीमा से बड़ी है यहां पर दीप्ति, सॉरी सीमा से बड़ी कौन है यहां पे? श्वेता। यहां पे ये कंडीशन मैंने गलत लिख दी है, सेकंड कंडीशन जो आपकी रहेगी यहां पे आएगी आपकी दीप्ति, यहां पे श्वेता और लास्ट में हमारे पास आएगी सीमा। तो आपको पता चल रहा है कि जो दीप्ति है वो सबसे बड़ी है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। एक बार आप इसको चेक कर लें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्स जेड से लंबा है किंतु सी के बराबर लंबा नहीं है। आगे आपका लेवल जो है वो धीरे धीरे अप होता जाएगा। एक्स जो है वो जेड से लंबा है, इसका मतलब है कि जेड से बड़ा कौन है? जेड यहां पे है, तो जेड से बड़ा कौन आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। ये हमने कंडीशन लगा दी, लेकिन बोला किंतु सी के बराबर लंबा नहीं है। किंतु सी के बराबर लंबा नहीं है, इसका मतलब है कि जो सी है वो उससे थोड़ा और लंबा है, उससे और लंबा है। इसका मतलब है कि एक्स से भी लंबा कौन हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा। आगे बोला है एफ एक्स से लंबा है, एक्स से बड़ा कौन है अब? एफ। इसका मतलब यहां पे सी नहीं आएगा, यहां पे पहले कौन आएगा? एफ आएगा। तो इस कंडीशन को यहां पे रव कर देते हैं, यहां पे फिर से इसी कंडीशन को फॉलो करेंगे। यहां पे जेड से बड़ा है एक्स और एक्स से जो बड़ा है उसका नाम है एफ, फिर एफ से बड़ा कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। किंतु उस ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा, इसका मतलब कि ये जो हमारा एफ है ये किसी एक से छोटा है,
एक से छोटा है। आगे बोला है ग्रुप में सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो यहाँ पे हमारी ये कंडीशन सारी की सारी बन गई। तो आपको पता चल रहा सबसे लंबा कौन है, सी। तो ऑप्शन सी में ही हमारा सी यहाँ पे बैठा है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रीति ने राहुल से अधिक अंक प्राप्त किए, यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए, राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए, मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए। तो आपको बताना है कि सबसे कम अंक किस व्यक्ति ने प्राप्त किए हैं। तो आपको यहीं पे सारी की सारी कंडीशनें यहाँ पे बतानी है। सबसे पहली कंडीशन है यमुना ने दिव्या के बराबर अंक प्राप्त किए हैं, इसका मतलब है कि यमुना के जो अंक हैं वो किसके बराबर आ जाएंगे, जितने अंक दिव्या ने लिए हैं वही यमुना के भी पेपर में अंक हैं। आगे लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए हैं, इसको हम ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। फिर वैसे सेकंड कंडीशन लिखेंगे, लोकिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए हैं, इसका मतलब है कि मंजू से कम कौन है, लोकिता। मंजू के अंक ज्यादा हैं और लोकिता के कम है। ये हमारी सेकंड कंडीशन यहां पे बन जाएगी। आगे बोला गया है राहुल ने यमुना से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, मतलब यमुना से बड़ा कौन है, राहुल। तो फर्स्ट कंडीशन में ही हम फिट कर देंगे, यमुना से बड़ा कौन हो जाएगा, यहां पर राहुल हो जाएगा। आगे क्या बोला गया, मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए, इसका मतलब ये जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है इसके पीछे कौन चला जाएगा, मंजू यहां पे चली जाएगी। इसी कंडीशन में मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए, यहां पे बोला गया है मंजू ने दिव्या से कम अंक प्राप्त किए, इसका मतलब दिव्या ने ज्यादा अंक प्राप्त किए किससे, मंजू से। और सेकंड कंडीशन हमें पता है कि मंजू ने ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं किससे, लोकिता से। तो ये हमारी सारी की सारी यहाँ पे कंडीशन बन जाएगी। ये हमारी फाइनल कंडीशन, आप बोला गया सबसे कम अंक प्राप्त किसने किए हैं, तो आपको पता चल रहा सबसे कम अंक प्राप्त किसने किए, लोकिता। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आई होप आपको ये समझ आ रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक लेवल के आपके ये क्वेश्चन है। उसके बाद हमारी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल जो है वो हमारी स्टार्ट होगी, जिसमें हमारे आपको चार या पांच स्टेटमेंट दी जाती हैं और उसी से संबंधित आपसे तीन या चार क्वेश्चन जो है वो आपसे बार बार वहां पर पूछे जाते हैं। आगे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें बोला गया है ए तथा बी की लंबाइयां बराबर हैं, इसका मतलब है कि जो ए की लंबाई है वही सेम टू सेम किसकी लंबाई है, बी की भी लंबाई है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ए की लंबाई किसके बराबर है, बी के बराबर है। आप इसको ए इक्वल टू बी लिख दें फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड में बी इज इक्वल टू ए लिख दें, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आगे बोला है ए से छोटा कौन है, सी। ए से छोटा कौन है, सी। अब ए से छोटा सी होना चाहिए, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी फिट नहीं बनेगी, क्योंकि ए से छोटा हमारा ए के इक्वल कौन है, सबसे पहले तो बी है, तो बी के छोटा नहीं बोला गया, ए से छोटा बोला गया, इसलिए ए सेकंड कंडीशन हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, बी से और ए से दोनों से छोटा कौन आ जाएगा, सी। और हमें जो इक्वेशन बोली गई थी वो ए से छोटा बोला गया, इसलिए सेकंड को ही हम फॉलो करेंगे। आगे डी ई से छोटा है किंतु बी से लंबा है, तो बी से लंबा कौन है, यहां पर डी। किंतु का जो वर्ड है वो हमारा किंतु और का जो हमारा वर्ड होता है वो सेकंड पर्सन के सॉरी फर्स्ट पर्सन के लिए लगता है, और जो का जो वर्ड है वो हमारा सेकंड पर्सन के लिए लगता है। तो बी से बड़ा कौन हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा। और आगे बोला है ई से छोटा कौन है, डी, इसका मतलब डी छोटा है किससे, ई से। तो ये हमारी सारी कंडीशन बनेगी। यहाँ पे बोला गया है उसमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा हमें यहाँ पे पता चल रहा है ई, जो ऑप्शन सी हमारा रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है लेकिन बी जितना गरीब नहीं है, सी एक्स जितना गरीब नहीं है, तो आपको बताना है सबसे गरीब कौन है। ये आपका क्वेश्चन है,
यहाँ पे आपको फिर से एक टेबल की फॉर्मेशन में यहाँ पे बताना है, जो हमारा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करते हैं, एक्स डब्ल्यू की तुलना में गरीब है। इसका मतलब है कि डब्ल्यू से ज्यादा गरीब कौन है, एक्स है, तो यहाँ पे हमने डब्ल्यू लिख दिया और W से गरीब कौन आ जाएगा, X आ जाएगा। मतलब आप इसको अरेंजमेंट की फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, W ज्यादा पैसे कमाता है, X थोड़े कम पैसे कमाता है, इसलिए वो गरीब हो जाएगा। आगे बोला है, लेकिन B के जितना गरीब नहीं है, मतलब ये जो X है ये B के जितना गरीब नहीं है, इसका मतलब B जो है वो सबसे ज्यादा गरीब हो जाएगा, तो X से छोटा कौन है यहाँ पर पैसे कमाने में, B हो जाएगा। आगे बोला है सी एक्स जितना गरीब नहीं है, अब सी जो है वो एक्स जितना गरीब नहीं है, तो सी जो है वो यहां पर भी फिट हो सकता है और डब्ल्यू के ऊपर भी फिट हो सकता है, दोनों कंडीशन आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बोला है सबसे ज्यादा गरीब कौन है, तो सी का कोई फिनोमिना यहाँ पे हमारे पास यूज ही नहीं होगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कुछ और पूछा गया सबसे गरीब कौन है, तो आपको पता चल रहा सबसे गरीब कौन है, बी। तो ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे रहेगा वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, पांच पुस्तकें एक मेज पर रखी गई हैं। ये फिर से हमारा पुस्तकों का क्वेश्चन आ गया, जैसे हमने अभी पीछे किया था, तो उसी टाइप का आपका ये क्वेश्चन है। कंडीशन लगाई गई है उनमें ई ए के ऊपर है, ए के ऊपर कौन सी बुक रखी गई है, ई रखी गई है, ए के ऊपर कौन सी बुक है, ई। आगे बोला गया है सी बी के नीचे है, तो अभी तो हमारे पास सी और बी है नहीं, तो अभी इस लाइन को स्किप करेंगे। आगे है ए बी के ऊपर है, बी के ऊपर कौन सी पुस्तक रखी गई है, ए, तो बी यहाँ पे आ जाएगी, और बी के बिल्कुल ठीक ऊपर कौन सी पुस्तक आ जाएगी, ए आ जाएगी। आगे जो हमारी फर्स्ट कंडीशन जिसको हमने स्किप किया था उसको रीड करते हैं, बी के नीचे कौन सी बुक है, सी, तो बी के नीचे यहाँ पे सी आ जाएगी। जो आगे लाइन है डी सी के नीचे है, सी के नीचे कौन सी पुस्तक रखी गई है, डी रखी गई है, तो ये सारी की सारी आपकी यहाँ पर अरेंजमेंट बन जाएगी, बिल्कुल बेसिक लेवल की आपकी अरेंजमेंट है। फर्स्ट पार्ट आपका पजल का आपका रहेगा, उसके बाद ही इसको जो है आगे हम धीरे धीरे लेवल जो है वो इसका हाई करेंगे, क्योंकि पजल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपके 5 से 10 क्वेश्चन आपके हिमाचल पुलिस के एग्जाम में पजल के ही बनते हैं। हिमाचल पुलिस के साथ साथ जितने भी आपके हिमाचल के एग्जाम हैं या फिर जो आपके ऑल इंडिया एग्जाम है उसमें भी आपके 5 नंबर मिनिमम जो है वो पजल या सिटिंग अरेंजमेंट के आते ही आते हैं, चाहे आप बैंकिंग की बात करें या फिर एसएससी की बात करें, तो उसमें भी पजल आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ बेसिक लेवल की आपकी पजल है, ताकि आपको जो है वो पजल के बारे में जो आपका डर है वो आपका यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कम हो जाए। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे नीचे कौन सी पुस्तक रखी गई, तो आप देख सकते हैं सबसे नीचे कौन सी पुस्तक है, डी वाली पुस्तक, तो ऑप्शन बी में यहाँ पे डी रखा गया है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लता माया से 1 वर्ष बड़ी है, मतलब माया से बड़ा कौन है, लता, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया माया, और माया से बड़ा कौन आ जाएगा, यहाँ पे लता आ जाएगी, और कितने वर्ष बड़ी है, 1 वर्ष बड़ी है। आगे बोला है कार्तिक से 2 वर्ष कौन कौन बड़ा है, माया, मतलब माया जो है वो बड़ी है किससे, कार्तिक से, कार्तिक से जो है वो माया बड़ी है कितने साल, 2 साल। आगे बोला है प्रिया कार्तिक से 1 वर्ष छोटी है, कार्तिक से छोटी कौन है, प्रिया, तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल के आपके यहाँ पे बोला गया है कार्तिक से 1 वर्ष बड़ी कौन, सॉरी यहाँ पे कार्तिक से 1 वर्ष बड़ी कौन है, प्रिया, तो कार्तिक से बड़ी आएगी, इसका मतलब कि प्रिया यहाँ पे आएगी, कार्तिक से बड़ा कौन है, 1 वर्ष प्रिया, तो यहाँ पे एक छोटी सी गलती हमने कर दी, यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा लता, उसके बाद आ जाएगी माया, उसके बाद हमें बोला था यहाँ पे आ जाएगा कार्तिक, लेकिन कार्तिक से 2 वर्ष बड़ी माया है, लेकिन 1 वर्ष बड़ी कौन है, प्रिया, तो इसका मतलब प्रिया जो है वो कार्तिक और माया के बीच में आएगी। आप एक बार इस कंडीशन को देख लें, तो लता माया प्रिया और कार्तिक, ये हमारी स्टेटमेंट बनेगी। हमसे पूछा गया सबसे छोटा कौन है, आपको पता चल रहा सबसे छोटा कौन है, कार्तिक, तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेणु की आयु में सती सबसे बड़ी है, रेणु की आयु में गीता छोटी है, सती की सती से आयु में प्रिया बड़ी है, तो
आपको बताना है आयु में सबसे वृद्ध कौन है, सबसे बूढ़ा कौन है। इसका मतलब है बूढ़े की बात की गई है, इसका मतलब बूढ़े वो होते हैं जिनकी एज सबसे ज्यादा होती है, जो कि आयु में सबसे बड़ा होगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि वृद्ध की बात की गई मतलब सबसे बड़े की बात की गई कि बड़ा कौन है। तो आपको खुद ये क्वेश्चन ट्राई करना, मैं आपका इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आपका आना चाहिए प्रिया, ऑप्शन ए आपका इसका सही आंसर आएगा। एक बार आप इसको जरूर ट्राई करें, मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व नहीं करवाया, सिर्फ इसका आंसर यहाँ पर बताया है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारा है, पांच पक्षी हैं, कौआ, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौआ और गरुड़। ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये आपको कौआ और बड़ा कौआ यहाँ पे बताया गया, फिर कबूतर और छोटा कबूतर बताया गया। इसका आपको इसलिए बताया जाता ताकि आपका जो दिमाग है वो पहले से ही जो थोड़ा सा हिल जाए, मतलब आप इसको पजल की फॉर्मेशन में ले सकते हैं, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को पजल बोला जाता है, ताकि आपका दिमाग जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे काम ना करे। आपको बिल्कुल अच्छे लेवल से इस क्वेश्चन को करना है, तभी आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से एक्यूरेट कर सकते हैं। यहाँ पे बोला है एक ही शाखा से वो उड़ते हैं एक के बाद एक, पहले बोला गया है बड़ा कौआ कौआ के बाद उड़ता है, इसका मतलब है कि जो बड़ा कौआ है वो कौए के बाद उड़ता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिख लिया कौआ, ये जो हमारा कौआ है इसके बाद कौन उड़ता है, इसके बाद कौन उड़ता है, बड़ा कौआ। बड़ा कौआ जो है वो इसके बाद उड़ता है, इसलिए बड़े कौए को यहाँ पर रख देंगे हम। सबसे पहले कौआ आ जाएगा, उसके बाद बड़ा कौआ आ जाएगा। ये उड़ने की बात की गई है, यहाँ पे उड़ने का क्रम जो आपका रहेगा वो आप इस वे में लगा सकते हैं, ऊपर की तरफ सबसे पहले कोई भी हमारा पक्षी है वो उड़ा होगा। आगे क्या बोला गया, कौए के बाद उड़ा मगर गरुड़ से आगे है, मतलब गरुड़ से आगे कौन होगा, हमारा बड़ा कौआ होगा। गरुड़ से आगे कौन होगा, बड़ा कौआ, क्योंकि लेकिन उसके लेकिन मगर और ये सारे जो हमारे बर्ड हैं ये फर्स्ट कंडीशन के लिए लगते हैं, और जो का जो बर्ड है वो हमारा सेकंड बर्ड के लिए, ये सेकंड कंडीशन के लिए फॉलो किया जाता है। तो गरुड़ से आगे कौन उड़ के गया है, यहाँ पे बड़ा कौआ, तो गरुड़ जो है वो यहाँ पर फिट हो जाएगा, ये कंडीशन आ गई। आगे बोला है कबूतर जो है वो कौआ और बड़ा कौआ के बीच में है, कबूतर कौआ और बड़ा कौआ के बीच में है, इसलिए कबूतर यहाँ पर फिट हो जाएगा, ये यहाँ पे कबूतर फिट हो गया। आगे बोला है छोटा कबूतर कौआ के आगे है, मतलब कौए के आगे कौन उड़ के गया है, छोटा कबूतर, तो यहाँ पे आ जाएगा छोटा कबूतर, ये कंडीशन बन गई। तो यहाँ पे पूछा गया सबसे पीछे कौन सा व्यक्ति, कौन सा पक्षी उड़ा है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले छोटा कबूतर उड़ेगा, फिर दूसरे नंबर पे कौआ, फिर तीसरे नंबर पे कबूतर, छोटे पे बड़ा कौआ, और सबसे लास्ट में कौन सा उड़ेगा, गरुड़। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो है ऑप्शन सी, गरुड़। आई होप आपको ये क्लियर हो रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आपके ये क्वेश्चन चले हैं आज ये। आगे आपका जो क्वेश्चन है, चार बच्चे अक्रम, बोपसी, प्रिया और तुलसी सीढ़ी पर है। अब एक सीढ़ी के ऊपर ये बैठे हैं, आपको यहाँ पे क्रम बताना है कि नीचे से दूसरे नंबर पे कौन सा व्यक्ति बैठा है। चार व्यक्ति हैं अक्रम, बोपसी, प्रिया और तुलसी। सबसे पहली कंडीशन है अक्रम सीढ़ी पर बोपसी से ऊपर है, इसका मतलब है कि अगर बोपसी यहाँ पे है, ये बिल्कुल बेसिक लेवल की आपकी पजल चली है, उसके बाद आपके थोड़े से लेवल अप आएंगे जिसको आपको सॉल्व करने में कम से कम 5 से 10 मिनट का समय जो है वो आपको लगेगा। ये आपके सिर्फ आपको बिल्कुल समझाने के लिए, आपके डर को खत्म करने के लिए आपके लिए ये वाली क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगी। बोपसी से ऊपर कौन बैठा है सीढ़ी में, अक्रम बैठा है, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने। उसके बाद बोपसी अक्रम और प्रिया के बीच में, इसका मतलब अक्रम और प्रिया के बीच में कौन है, बोपसी। अक्रम ये है, अगर मैं फॉर एग्जांपल प्रिया को यहां पे रखता हूं तो प्रिया और अक्रम के बीच बोपसी तो नहीं आ रहा है, इसलिए अक्रम और प्रिया के बीच बोपसी यहां पे फिट होगा जब प्रिया जो है वो लास्ट में रहेगी या फिर तीसरे स्थान पर अभी तक यहां पर रहेगी। आगे जो हमारे पास कंडीशन बोली गई है उसको हम देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे अगली कंडीशन है, यदि तुलसी अक्रम से भी ऊपर है, इसका मतलब है कि जो तुलसी है वो किससे ऊपर है, अक्रम से ऊपर है। अक्रम से ऊपर वाली सीढ़ी में कौन बैठा है, तुलसी बैठी है,
तो यहाँ पे क्या बोला गया है, नीचे से दूसरे नंबर पे कौन है, तो आप देख सकते हैं नीचे सबसे लास्ट में प्रिया बैठी है सीढ़ी पे, उससे ऊपर बोप्सी, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, बोप्सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे हमारा क्वेश्चन है, आपको बोला गया है कि कुछ बुद्धिमान यहाँ पे लोग हैं उनसे रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन रहेगा। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करें ताकि आपके जितने भी यहाँ पर डाउट हैं वो सारे के सारे इजिली सॉल्व आउट हो जाएं। जल्दी से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर करें ताकि जितने आपके क्वेश्चन हैं इस टाइप के वो सारे के सारे आपके क्लियर हो सके। आपको बोला गया है कि ए बी और सी बुद्धिमान है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट के आपके ये क्वेश्चन चले हैं। आपको बोला गया है कि ए बी और सी जो है वो क्या है, बुद्धिमान है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया ए बी और सी, आगे है ए बी और सी जो है वो बुद्धिमान है तीनों लोग, ए डी और ई, ए डी और ई यहां पे आप देख सकते हैं, ए डी और ई, ये तीनों के तीनों जो लोग हैं वो आपकी, ये तीनों के तीनों लोग जो हैं वो परिश्रम भी करते हैं। आगे बोला गया है डी सी और ई, यहाँ पे डी, यहाँ पे सी और यहाँ पर ई, ये तीनों के तीनों लोग जो हैं ये आपके ईमानदार भी हैं, ये आपके ईमानदार हैं। आगे क्या कंडीशन बोली गई है, ए बी और ई, ए बी और ई, ये तीनों के तीनों लोग जो हैं वो महत्वाकांक्षी भी हैं, महत्वाकांक्षी भी हैं, मतलब अपना एक महत्व रखते हैं। आगे हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ईमानदार नहीं है। आपको पता है कि आपके पास टोटल पहले तो पर्सन कितने हैं वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ए बी सी डी और ई, टोटल पांच पर्सन है जिसमें से सी जो है वो तो ईमानदार है, डी वो भी ईमानदार है, ई वो भी ईमानदार है, तो आपके पास बचा कौन सा यहाँ पे ईमानदार नहीं है, ए और बी, तो कौन सा ऑप्शन आपका आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जिसमें ए और बी बताया गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे जो आपका क्वेश्चन है, अमन बिमल से चार वर्ष बड़ा है, अमन जो है वो बिमल से चार वर्ष बड़ा है, बिमल चमन से दो वर्ष छोटा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज ये रहेगा। फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या बोला गया है कि जो अमन जो है वो बिमल से कितने वर्ष बड़ा है, चार वर्ष बड़ा है। मैं यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ, ये जो आपका अमन है ये बिमल से कितने साल बड़ा है, बिमल से कितने साल बड़ा है, चार साल बड़ा है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन में बोला गया है कि जो बिमल है, जो यहाँ पे बिमल है वो चमन से दो वर्ष छोटा है, तो चमन से दो साल छोटा कौन है, बिमल है, ये हमारी सेकंड कंडीशन बनेगी। आगे हमें क्या बोला गया है थर्ड कंडीशन में, चमन जो है वो ध्रुव से छह वर्ष बड़ा है, यहां पे मैं चमन को फिट कर देता हूं, चमन जो है वो कितने साल, चमन जो है वो ध्रुव से, ध्रुव से मतलब ध्रुव की अगर कुछ एज है, ध्रुव की कुछ एज है तो ध्रुव से छह साल बड़ा कौन हो गया, हो जाएगा चमन हो जाएगा, ये थर्ड कंडीशन बन गई। लास्ट कंडीशन क्या बोली गई है, ध्रुव ईशा से नौ वर्ष छोटा है, ध्रुव यहां पे अगर हमने फिट कर दिया, ध्रुव जो है वो ईशा से नौ वर्ष छोटा है, अगर ईशा की कुछ आयु रहती है यहाँ पर तो ईशा से अगर नौ साल कम कर देंगे तो किसकी एज आ जाएगी, ध्रुव की एज यहाँ पर आ जाएगी,
यहाँ पे हमें क्या बोला गया है, सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है। तो जब हम इन क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं तभी आप इसका जो है वो आंसर यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक बेसिक लेवल से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप किसी भी एक पर्सन की एज जो है वो, फॉर एग्जांपल आप 50 साल उसकी एज जो है वो मान सकते हैं, किसी की भी एक आप एज मान लो, उसके हिसाब से आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको चेक करते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक है अमन, चेक कर लेते हैं कि आंसर निकलता है या नहीं निकलता है। उसके बाद है बिमल, उसके बाद है हमारे पास तीसरा पर्सन चमन, उसके बाद है हमारे पास ध्रुव और उसके बाद है ईशा। ये हमने पांच पर्सन लिख लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमन की एज को मान लेते हैं हम 50 साल, इसको यहां से सॉल्व करते हैं। अब बिमल से 4 वर्ष बड़ा होना चाहिए बोला, बिमल से 4 वर्ष बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि बिमल की एज कितनी होगी फिर, 46 है, 46 में 4 ऐड करेंगे तभी अमन की आयु कितनी बनेगी, 50 साल बनेगी। ये हमने कंसीडर किया है, जैसे मैथ के क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कंसीडर करते हैं वैसे। तो हमने 50 साल किसी की एज मान ली। आगे बोला है चमन से 2 वर्ष छोटा कौन आना चाहिए, बिमल आना चाहिए। तो चमन से 2 वर्ष छोटा, तो इसका मतलब है कि अगर इसकी एज 48 साल होगी तभी 2 वर्ष क्या हो जाएगा इससे, छोटा हो जाएगा, तो इसकी 46 हो जाएगी। आगे बोला है जो थर्ड कंडीशन है, चमन ध्रुव से 6 साल बड़ा है, मतलब कि ध्रुव से 6 साल बड़ा कौन है, चमन। तो ध्रुव की एज कितनी आएगी फिर, ये आप यहां पे बता सकते हैं, ध्रुव की एज जो है वो आएगी 42। ध्रुव के एज से 6 साल जब आगे हम जाएंगे तो कौन आना चाहिए, चमन आना चाहिए। ये हमारी कंडीशन यहाँ पे फिल होगी। चमन से 2 साल छोटा कौन है हमारे पास, बिमल है, तो 46 साल का हो जाएगा। और बिमल से 4 साल बड़ा कौन है, अमन, तो ये 50 साल का हो जाएगा। आगे बोला है ध्रुव ईशा से 9 वर्ष छोटा है, अब ईशा से 9 वर्ष छोटा कौन है, ध्रुव। ईशा से 9 साल छोटा होना चाहिए, इसका मतलब है कि ईशा जो है वो बड़ी होगी ध्रुव से 9 साल, तभी गैप छोटे का आएगा। तो 42 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे, 51 हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ईसा से 9 साल छोटा कौन है यहाँ पर, ध्रुव छोटा है। तो आप इसको कंसीडर की फॉर्म में भी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप इसको अरेंजमेंट की फॉर्मेशन में लिखें, सबसे बड़ा कौन आ जाएगा एज में, अगर मैं बात करता हूँ तो ईशा, ईशा कितने साल की आ जाएगी, 51 साल की। उसके बाद बोला गया है यहाँ पर 50 साल का कौन है यहाँ पर, अमन, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 50 साल से छोटा कौन है, 48 साल का, वो कौन आएगा, चमन आएगा, वो आ जाएगा 48 साल का। उसके बाद यहाँ पे है 46 ईयर का, उसका नाम है बिमल, ये यहाँ पे फिट हो जाएगा। उसके बाद सबसे छोटा कौन आ जाएगा, ध्रुव आ जाएगा, तो वो कितने साल का आएगा, 42 साल का। तो ये आपकी सारी की सारी यहाँ पे अरेंजमेंट बनेगी। तो आपसे बोला क्या गया है, सबसे बड़ा दूसरे स्थान पे कौन है, तो दूसरे स्थान पे कौन है, सबसे बड़ा अमन। तो ऑप्शन ए हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, जल्दी से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा जो आज की इस वीडियो का टफ क्वेश्चन आप बोल सकते हैं वो आप सबके लिए ये रहेगा। यहाँ पे क्या बोला गया है, ए का भार बी का 3 गुना है, इसका मतलब है कि बी से 3 गुना कौन है, बी यहाँ पे ए का जो भार है वो बी का 3 गुना है, मतलब कि बी का 3 गुना कौन आएगा, ए आएगा। इसका मतलब है 3b, 3 को बी से गुणा कर देंगे तो किसका भार आ जाएगा, ए का भार आ जाएगा। ये फर्स्ट कंडीशन हमारी बन गई। यहां से आप b की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बोला है b का भार c का 1/4 है, इसका मतलब b का जो भार आएगा वो c का कितना आएगा, 1/4 आएगा। इसका मतलब का मतलब गुणा होता है आपको पता है, तो c/4, b का भार जो है वो c/4 के इक्वल आएगा। यहाँ पे भी आप पिछले क्वेश्चन की तरह कोई एक वैल्यू लेके उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बोला गया है c का जो भार है वो d का 5 गुना है, मतलब C का जो भार आएगा
वो कितना आएगा, डी का 5 गुना आएगा, इसका मतलब 5 इंटू डी आएगा। आगे है डी का भार ई का 1/6 है, ये जो डी कोई पर्सन है इसका भार कितना आएगा, ई का 1/6 भार आएगा, ई बाय 6 इसका वेट आएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस सारे क्वेश्चन को यहाँ पे ए ए की फॉर्मेशन में यहाँ पे मैं इसको फिट कर लूंगा, इन सभी को क्या करूंगा मैं ए बी सी की फॉर्मेशन में फिट कर लूंगा। यहां पे मैं रखूंगा सबसे पहले ए, उसके बाद बी की बारी, उसके बाद सी, उसके बाद डी और उसके बाद ई। ये मैंने यहाँ पे इसको फिट करना है यहाँ पे, तो ए का भार तो ए ही है वो तो हमें पता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं ए की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, यहाँ पे मैं सॉरी फर्स्ट कंडीशन से मैं बी की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। मेरे पास यहाँ पे क्या कंडीशन बोली गई, 3b इज इक्वल टू ए, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन 3। इसका मतलब ए की वैल्यू तो ए है और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए अपॉन 3, ये बी का भार आ जाएगा। वैसे सी का भार निकालेंगे ए की फॉर्मेशन में, हमने ए को यहाँ पे कॉमन रखना है, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, सी की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे b इज इक्वल टू सी बाय 4 है, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, c इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू बी हो जाएगा। अब b की वैल्यू हमने अभी निकाली, b की वैल्यू क्या है a अपॉन 3, तो यहाँ पे भर देंगे तो c इज इक्वल टू 4 इंटू a अपॉन 3, तो 4a अपॉन 3, ये हमारा यहाँ का आंसर बन जाएगा 4a अपॉन 3। जैसे आपको पिछला क्वेश्चन कराया वैसे भी आप इस चीज को कर सकते हैं। आगे c के भार की बात करते हैं, C का भार कितना है, 5 इंटू डी है, सॉरी C का नहीं, D का भार हमें लिखना है, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे C अपॉन 5 आ जाएगा। अब C की वैल्यू हमने निकाली है, वो कितनी निकाली, 4a अपॉन 3, तो C की वैल्यू लिख देंगे 4a अपॉन 3 और नीचे कितना है यहाँ पे 5, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 4a अपॉन 15, यह हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे जो हमारा E का भार आएगा, E का भार क्या आएगा, ये जो आपका 6 है वो D की तरफ को जाएगा, तो E का भार कितना आ जाएगा, D इंटू 6। अब D की वैल्यू हमने निकाली है, D की वैल्यू कितनी है, 4a अपॉन 15, और इंटू क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। आप इसको यहाँ पे कट करना तो कट कर सकते हैं, डायरेक्ट लिखना तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 24a अपॉन 15, ये आपका यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पर बनेगा। तो जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं एलसीएम मेथड से, जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे इसका भार का अनुमान जो है वो हो जाएगा। या फिर आप क्या करें, इस 15 को आपको काटना है तो आप सारी वैल्यू को 15 से मल्टीप्लाई कर दें, जब आप इसको 15 से गुणा करेंगे तो फर्स्ट कंडीशन बनेगी 15 इंटू ए, सेकेंड कंडीशन में जब 15 से गुणा कर देंगे तो ये 5 से कट जाएगा और ये आ जाएगा 5a, b की वैल्यू आ जाएगी, ये a का ये b का। अब c की वैल्यू निकालनी, इसको 15 से गुणा करेंगे तो 3 से 15 कट जाएगा हमारा 5 बार और 20a आ जाएगा। d की वैल्यू को करेंगे 15 से 15 कट जाएगा तो हमारे पास 4a आ जाएगा। अब e की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम से हमने गुणा किया, 15 से सबको गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 24a बचेगा। अब फॉर एग्जांपल a की वैल्यू को आप 1 मान लेते हैं, a की वैल्यू को जब आप इस a की वैल्यू को 1 मानेंगे तो ये 15 आएगा, ये 5 साल का, ये 20 साल का, ये 4 साल का, ये 24 साल का। अब आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, तो 24 साल का ई जो है वो 24 साल का, इसलिए वो सबसे बड़ा आ जाएगा। उसके बाद 24 साल से छोटा कौन है, 20 साल वाला, तो सी जो है वो 20 साल का, उससे छोटा आ जाएगा। फिर ए जो है वो कितने साल का है, 15 साल का है। उसके बाद डी आ जाएगा 4 साल का, उसके बाद डी नहीं आएगा, उसके बाद हमारे पास बी आएगा, क्योंकि बी जो है वो कितने साल का है, 5 साल का है। यहाँ पे बी जो है वो है 5 साल का और उसके बाद यहाँ पे आएगा डी, तो डी है हमारे पास 4 साल का। तो यहाँ पे हमारे पास
जो सबसे छोटा यहाँ पे हल्का, सबसे जो हल्का है वो कौन सा आ जाएगा, डी, जो कि 4 साल का है, तो ऑप्शन डी में ही ये फिट बैठा है, इसलिए हमारा आंसर बिल्कुल सही रहेगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो रहा है। आज की इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, होमवर्क है आप सभी के लिए, एक बार आप इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें कि क्या आपका इसका क्वेश्चन का आंसर आता है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो है ऑप्शन डी, ए अथवा सी, सबसे भारी यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनेगी ए और सी में से कोई भी एक जो है व्यक्ति वो भारी हो सकता है। इस क्वेश्चन को भी आप पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करें या फिर किसी एक पर्सन की वैल्यू को आप यहाँ पे मान लें। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करता हूँ, ए की आपने ए का भार आप मान सकते हैं, जैसे 5 kg जो है वो ए का भार है, तो उस हिसाब से भी आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आई होप आपको जितने भी पजल के क्वेश्चन यहाँ पे करवाए गए हैं वो आपको सारे के सारे क्लियर हैं। इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, साथ में आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं। वीडियो के यहाँ पर आपको इमेज में जो आपको मोबाइल नंबर दिख रहा है यहाँ पे आप मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डे टू डे के करंट अफेयर, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, नोट्स, ये आपको सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।